अपराध शाखा यूनिट 2 ने अंबाजरी पुलिस थाना हद में आने वाले कोलास कैफे में चलने वाले अवैध हुक्का पार्लर का पर्दाफाश किया है, जहां बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबाजरी हद में आने वाले भरत नगर चौक स्थित कोलास कैफे में अवैध हुक्का पार्लर चल रहा है, जिसके संज्ञान पर गश्त के दौरान छापेमारी की गई, जहां 3 पुड़ी तंबाकू, विभिन्न फ्लेवर के हुक्का पॉट आदि मादक पदार्थ का व्यवहार होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते कैफे मालिक अभिलाष गौतम भावे एवं प्रबंधक नरेश प्रताप खेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां लगभग 26,000 का मुद्देबाज जब्त किया गया है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बापूराव राउत ने। नेहमी प्रमाणे हुक्का अवैध धंदे विरुद्ध मोहीम राहतेच, ते हुक्का पार्लर चेक करत असताना त्यांचे काही गाईडलाईन्स आहे, हर्बलच्या व्यतिरिक्त जर आम्हाला तंबाखू मिळाला तर आम्ही कारवाई करतो। त्याच पद्धतीने चेकिंग दरम्यान कोलास कॅफे म्हणून आहे भरतनगर अंबाजरी ठाण्याच्या हद्दीत, त्याच्यात 3 पुढे आम्हाला तंबाखूचे मिळाले आणि टेबलवर ठेवलेले 10 पॉट होते, टोटल ते 26,600 रुपयाचे माल जप्त केलं। त्याच्यात नरेश खेता म्हणून आहे आणि अभिलेश भावे म्हणून आहे, या 2 आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढच्या कारवाईसाठी अंबाजरीला दिलेले आहे। आणि अशा प्रकारे कुठेही काही असेल तर हे आमचं रेग्युलर चेकिंग सुरू राहते। त्याचप्रमाणे 2 दारू रेड झाली, एक अंबाजरी गेट्टी घरात। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।